नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है कृष्णेंदु सेन और ये वीडियो है एक नई वैकेंसी के बारे में। ठीक है, नई वैकेंसी। तो अगर आप लोगों में से कोई ऐसा कैंडिडेट्स है जिसको लग रहा था कि एयरफोर्स नहीं होगा, या फिर आपको कंफर्म पता है कि एयरफोर्स का आपका एज निकल चुका है, आपका और नहीं है एयरफोर्स में जाने का चांस, तो आप इस पर आ सकते हैं। तो आप इसमें आ सकते हैं, काफ़ी अच्छी वैकेंसी, ऐसा नहीं, हाँ कम है लेकिन काफ़ी बेहतरीन वैकेंसी। आप ये परमानेंट है, ये अग्निवीर के तहत नहीं निकलती है कि ये 4 साल वाला वैकेंसी है। ये वैकेंसी है आपका नाविक और यांत्रिक के लिए, जो ऑब्लिक 01/2024 वाली है उसके लिए वैकेंसी है। ठीक है, तो ये कोस्ट गार्ड के लिए वैकेंसी है। तो अगर मैं बताऊं कि ये वैकेंसी आप कब से अप्लाई कर सकते हैं, तो 8 सितंबर से लेकर 22 सितंबर के बीच आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। 8 सितंबर के बीच से 22 सितंबर के बीच आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं एग्ज़ाम डेट की बात बोलूँ तो एग्ज़ाम डेट अभी क्लियर नहीं है, लेकिन ये लिखा हुआ है कि मिड या फिर एंड तक हो जाएगा। किसका? दिसंबर का मिड या फिर एंड तक इसका जो एग्ज़ाम है वो आपको डन करवा दिया जाएगा। ठीक है, अगर मैं फ़ीस की बात करूं तो 300 रुपया फ़ीस है इसका जनरल वालों के लिए, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए। अगर आप एससी या फिर एसटी से हैं तो आपको फ़ीस नहीं देना पड़ेगा, ठीक है, फ्री में। फिर ये एज जो है, एज की अगर बात करूँ तो ये 18 साल से लेकर 22 साल तक है। मैं फिर से कह रहा हूँ, ये 4 साल वाली अग्निवीर वाली जॉब नहीं है, ये परमानेंट है। ठीक है, 18 साल से लेकर 22 साल तक। अगर डेट की बात करूँ, स्पेसिफिक डेट, तो 1 मई 2002 से लेकर 30/7 यानी 30 जुलाई 2006 तक के बीच में जो है, या फिर इन डेट में भी अगर कोई किसी का अगर बर्थ हुआ हो तो वो इसको अप्लाई कर सकता है। ठीक है, अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो इसमें देखिए 3 तरह की पोस्ट, एक है जीडी जनरल ड्यूटी, एक है डीबी डोमेस्टिक ब्रांच, एक है यांत्रिक। यांत्रिक में 3 तरह की पोस्ट, एक मैकेनिकल के लिए, एक इलेक्ट्रिकल के लिए और एक इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। तो सबसे पहले मैं अगर जीडी की बात करूं, जनरल ड्यूटी, तो इसमें आपको 12th पास होना जरूरी है, और किस स्ट्रीम से, और आपका मैथ और साइंस होना चाहिए, यानी साइंस बैकग्राउंड आपको होना चाहिए जीडी को अप्लाई करने के लिए। और ये जो वैकेंसी है ना कोस्ट गार्ड वाली, इसमें सबसे ज़्यादा जो पोस्ट है वो जीडी के ही ऊपर आती है। उसके बाद अगर मैं डीबी की बात करूं, डोमेस्टिक ब्रांच, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ 10 पास की ज़रूरत है, सिर्फ और सिर्फ 10 पास और कुछ नहीं। और अगर आप यांत्रिक के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको डिप्लोमा की ज़रूरत है, तीन चीज़ में आपको डिप्लोमा चाहिए, हो या इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल। ठीक है, अगर मैं पोस्ट के बारे में बात करूँ तो टोटल 350 पोस्ट है, 350 पोस्ट है टोटल। 350 में से सिर्फ अकेला 260 जीडी के लिए है। जीडी का क्वालिफिकेशन मैंने क्या बताया, 12th पास विथ साइंस बैकग्राउंड। डीबी जो है डोमेस्टिक ब्रांच, इसमें सिर्फ और सिर्फ 30 वैकेंसी ऑल ओवर इंडिया, और जो यांत्रिक के लिए जो वैकेंसी है वो है सिर्फ 60। अगर मैं सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं तो सिलेक्शन प्रोसेस पे सबसे पहले होगा रिटन एग्जाम, फिर होगा आपका पीटी और पीएसटी यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट एंड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, उसके बाद आपकी मेरिट निकलेगी। मेडिकल भी है इसके बीच में, मेडिकल है तो मेन इसके ऊपर है, रिटन, पीटी, पीएसटी, फिर मेरिट आपका आएगी। मेरिट में जिसके नाम, और हाँ ये परमानेंट है। और साथ में अगर मैं सैलरी की बात करूँ तो जो डोमेस्टिक ब्रांच, इसमें ही अधिकतर लड़के जा पाएंगे, क्योंकि हर किसी का थोड़ी साइंस बैकग्राउंड है या फिर हर किसी का डिप्लोमा भी नहीं है, तो सबसे ज़्यादा लड़के इसी में अप्लाई करेंगे, लेकिन यही सबसे कम वैकेंसी है। तो ये लेवल 3 वाली जॉब है, लेवल 3 वाली, यानी जो एसएससी जेडी होती है 21,700 बेसिक पे वो वाली है, यानी इसकी सैलरी जो है जितना भी आपको एचआरए एमए जो भी मिलता है ना आपको, जो ऊपर से जो अलाउंस मिलता है वो सब लेके ये 32-34 क्रॉस कर जाएगी ये वाली। ठीक है, और इस सिलेक्शन मोड की बात करूँ तो रिटर्न, पीटी, पीएचडी, मेरिट। मैं फिर से कह रहा हूँ, एग्जाम डेट जो है वो क्लियर नहीं है, लेकिन मिड ऑफ एंड और दिसंबर के बीच में इसका जो एग्ज़ाम प्रोसेस है वो आपका डन हो जाएगा। अब जो मेन चीज़ है कि फिजिकल के बारे में बताओ, तो ये आप देख लीजिए एक बार फिर से अच्छी तरीके से। अब मैं बताता हूँ फिजिकल के बारे में। फिजिकल के लिए जो आपकी हाइट है, HIGST हाइट है, वो आपको 157 सेंटीमीटर चाहिए फिजिकल के लिए। जो एयरफोर्स में ये 152 भी अलाउ हो जाता है, लेकिन जो कोस्ट गार्ड है, कोस्ट गार्ड के लिए जो हाइट है वो 157 सेंटीमीटर आपकी हाइट चाहिए। उसके बाद अगर मैं रनिंग के बारे में बात करूँ, रनिंग आपको 1600 मीटर की करनी है 7 मिनट के अंदर। रनिंग करनी है आपको 1600 मीटर 7 मिनट के अंदर। उसके बाद है आपका पुशअप्स जो है वो आपको 10 लगानी है, और उठक बैठक। अब बोलोगे भाई तुम इसको स्क्वाट क्यों नहीं लिख रहे हो, नोटिफिकेशन में ये वाला वर्ड मेंशन, इसलिए मैं लिख दिया। तो उठक बैठक जो ये 20 करनी है। अब अगर आप इसको देखेंगे ना, तो एयरफोर्स में भी 1600 मीटर की रेस होती है, 10 पुशअप्स होती है और 20 स्क्वाट करने पड़ते हैं, लेकिन साथ में उसका 10 जो है 10 करनी पड़ता है सिटअप। लेकिन इसमें सिटअप करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर सिर्फ फिजिकल में यही सब करवाया जाता है। सबसे पहले आपका हाइट देखेगा 150 सेंटीमीटर, हाँ आपका जो चेस्ट है ना, चेस्ट
वो 5 सेंटीमीटर तक एक्सपेंड करना चाहिए। ये ज़रूरी है, 5 सेंटीमीटर तक ये आपका एक्सपेंड करना चाहिए। साथ में रनिंग जो है 1600 मीटर चाहिए 7 मिनट के अंदर, पुशअप्स 10 मारनी है और उठक बैठक 20 मारनी है। तो सबसे पहले रिटर्न होगा दिसंबर के बीच में, इसका रिजल्ट उसका जल्दी आ जाता तो मान लीजिए फरवरी से मार्च के बीच में आपको फिजिकल होगा, तो फिजिकल में देख लीजिए 1600 मीटर की रेस है, फिर 10 पुशअप्स 20 उठक बैठक, फिर आपका मेरिट लिख ली। तो इसमें वैकेंसी मानता हूँ कम है, फिर भी आप अप्लाई कीजिए, खुद पे अगर भरोसा है, अगर खुद का आपका उस लेवल तक आपकी तैयारी है तो हो, किसी का ना किसी का होगा ना, कोई किसी का तो 30 जन में आएगा, तो आप मेहनत कीजिए, देख लीजिए अगर होता है कि नहीं, काफ़ी ऐसे चांस है। जैसे मेरा एयरफोर्स के लिए एज निकल गया है लेकिन मैं इसको अप्लाई कर सकता हूँ, तो वैकेंसी मैं नहीं देखूंगा, अगर यहाँ पर 3वीं वैकेंसी होता मैं अप्लाई तो करता, ठीक है। तो इसलिए अप्लाई ज़रूर कीजिए, पार्टिसिपेट कीजिए। और ये आज का जो इसके बारे में था यही बता दिए, ऐसा नहीं कि वीडियो ज़्यादा लंबा खींचना है, क्योंकि आप देख लीजिए कि इस सब के बारे में उतना लंबा खींचना होता नहीं है, 30 मिनट 28 मिनट 25 मिनट उतना भी ज़रूरत होता नहीं है, सिंपल से एक आ जाती है, ये तो फिर भी मुझे लिखना पड़ता है, लेकिन जिसके डिजिटल कंप्यूटर आती है उसको तो और जल्दी उसको ख़त्म कर देना चाहिए, लेकिन फिर भी उसे खींचा जाता है, तो आप देख लीजिए, ठीक है। और मैं ज़रूर कहूँगा कि आप इसे अप्लाई कीजिए। और हाँ, जैसे कि मैंने एक बताया था कि एक कट ऑफ के बारे में वीडियो निकालूंगा, काफ़ी लड़कों का, काफ़ी कैंडिडेट्स का उसमें रिस्पॉन्स आया है, काफ़ी बढ़िया लग रहा है। वाई ग्रुप में लगभग 300 से ऊपर कैंडिडेट्स वो वोट दिए हैं, और एक्स ग्रुप में 300 भी हुआ नहीं है, 10-20 शायद बाकी है, मैंने ऑलमोस्ट 600 कैंडिडेट्स मुझे उस पर वोट दिए, तो काफ़ी बढ़िया लगा। तो भाई सबको दिल से थैंक यू, ठीक है। और यही था आज का वीडियो, और जो कटा फोटो वाली वीडियो है वो मैं धीरे धीरे लाऊंगा, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।